हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। सो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, पोलर फॉर्म को पढ़ा था हमने, एलुरियन फॉर्म को पढ़ा था जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले जो पिछला वाला था उससे रिलेटेड ही है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि मैंने क्या बताया था। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको एलुरियन जो फॉर्म होता है वो मैंने आपको क्या बताया था, एलुरियन फॉर्म को और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जेड बराबर क्या होता है, इसको दूसरे कलर से लिख लें, जेड बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, आर ई की पावर आई थीटा। मैंने आपको बताया था ना, ई की पावर आई थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। और ई की पावर माइनस आई थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ये हमारा क्या था, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया हुआ था, एलुरियन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ था इसका। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना नया टॉपिक डाल देते हैं, लॉगरिथमिक, लॉगरिथम, स्पेलिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई क्या, लॉगरिथम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्पेलिंग को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब देखिए, जैसे इसको हम हाईलाइट कर लें थोड़ा सा, जैसे देखिए जेड बराबर क्या होता है, हमारा एक्स प्लस आई वाई होता है, ये हमारा क्या होता है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, और जो हमारा पोलर फॉर्म होता है वहाँ पे क्या लिखा जाता है, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इससे हमने क्या बनाया था। ठीक है, ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म हो गया। ठीक, और एक और था आर ई की पावर आई थीटा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म या तो एलुरियन फॉर्म, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एलुरियन फॉर्म। ठीक, अब देखिए, जैसे सपोज़ करिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एक लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक लिख लें, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए, अब इसमें हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो निकालना, ये देखिए लॉगरिथमिक ही तो निकालना ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लॉग ले लेते हैं। तो हम इसमें ले लिए लॉग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मतलब जेड प्लस आई वाई वाले में इसमें ले लिया, जेड हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम इसमें ले लेंगे लॉग। तो एक्स प्लस आई वाई इस पर हम लेंगे लॉग, तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई हमारा आर ई की पावर आई थीटा बराबर है कि नहीं है, तो इसमें भी हम ले लेंगे लॉग। जैसे देखिए, यहाँ पे जेड बराबर ये था, जेड बराबर ये था, तो हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो इन तीनों बराबर ये हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने लिख लिया हुआ है, एक्स प्लस आई वाई के बराबर हमने आर ई की पावर आई थीटा को लिख लिया था, और उसमें हमने क्या ले लिया, उसमें हमने लॉग ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखिएगा आप, कि ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग आर, है ना, प्लस आई थीटा। अब देखिए, जहाँ पे लॉग लिखा हो और उसी के साथ ई आ जाए, तो इसका मतलब ये कट जाएंगे। ठीक है, मतलब ये रिमूव हो जाते हैं, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग आर प्लस आई थीटा। अब लॉग आर को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग आर को मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप पिछली क्लास ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लस आई थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, है ना, मॉड में था ये, तो हमारा ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, लॉग एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका हमने क्या निकाला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने लॉग ले लिया है, तो लॉग निकालने के बाद हमें ये आया हुआ है। ठीक है, और इसका एक तरीका और होता है, तो हम वो जैसे हमने एक्स प्लस आई वाई से निकाला है ना, अब हम क्या करेंगे, हम जेड से एक बार निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, वैसे मेन तो यही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी में सबको समझ जाएंगे, इसका मैं एग्जाम्पल आपको करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसी से आप कर लीजिए एग्जांपल, इसका एक करवा देंगे आप, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में सपोज़ करिए लिखा है लॉग वन प्लस आई, ठीक है, हमें इसका निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसका, हमें जैसे ये था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमने लॉग ले लिया, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी फाइंड करनी वैल्यू। तो आप बताइए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। तो दूसरे कलर से लिख लें, सॉल्यूशन लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखना चाहें आप। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका कैसे निकलेगा, लॉग लिखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। ये इसी यही वाला हम ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लॉग ले लिया हमने, अब देखिए रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स हमारा कितना है वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वाई भी हमारा है प्लस आई टेन इनवर्स वन अपॉन वन, ठीक है। इसको भी आप मॉडल लिख दिए, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग रूट टू हो जाएगा ना, वन प्लस वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रूट टू, ठीक। अब देखिए प्लस आई टेन इनवर्स टेन, और ये हमारा किसका हो जाएगा, पाई बाई फोर का हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, ये देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका हमारा, इसका मतलब ये हमारा किस में क्वाड्रेंट में आ गया, ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक, समझ गए ना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन टेन ये हट जाएगा, काटना नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए लॉग रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर वन अपॉन टू लिख सकते हैं प्लस आई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर, और देखिए वन बाई टू ये आगे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम, ये आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग टू प्लस आई पाई बाई फोर, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये जो लॉग वाले हैं ये आपको इस तरीके से करने हैं, समझ गए ना। अब देखिए एक इसका और फॉर्म भी होता है, जैसे मैंने आपको एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में बताया था ना, उसी तरीके से एक और फॉर्म भी होता है, जैसे लिखा होता है यहाँ पर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई लिखा रहता है, तो हमने अभी किससे निकाला, एक्स प्लस आई वाई से निकाला है, देखिए ऊपर यहाँ पर हमने किससे निकाला है, एक्स प्लस आई वाई से निकाला, ये देखिए एक्स प्लस आई वाई से, ये भी देखिए सब हमने एक्स प्लस आई वाई से निकाला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार जेड से निकालने का ट्राई करेंगे, तो देखते हैं जेड से कैसे निकलता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमने ले लिया लॉग जेड, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग मॉड जेड हो जाएगा ना, वही लिख के आपको बता दें, क्योंकि आपको वैसे ही लिखते हैं, जैसे सपोज़ करिए एक्स प्लस आई वाई था, ठीक, इसका हमने लॉग लिया था, है ना, इसी तरीके से तो लिया था, तो यहाँ पे क्या आया था, लॉग रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर आया था पहला वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लॉग जेड लिख सकते हैं मॉड का, है ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग जेड, समझ गए, इतना तो आप समझ गए होंगे ना, प्लस आई, और ये क्या था हमारा, एम्पलीट्यूड था किसका, जेड का था, ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं जेड का, तो हमने इस तरीके से लिख लिया है इसको, ठीक है। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक इसमें होता है जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा प्लस टू एन पाई, ये हमारा इन जनरल फॉर्म होता है, इन जनरल फॉर्म, ठीक। जेड बराबर क्या होता है, आर ई की पावर आई थीटा प्लस टू एन पाई, ये होता है हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, लॉग जेड बराबर लॉग मॉड जेड प्लस आयोटा, ठीक है, जो भी आप आई लिखते कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस टू एन पाई, ये हमारी एक फॉर्म और आ गई, ये वाली, समझ गए। देखिए यहाँ पे आर ई की पावर आई थीटा, तो ये तो हमारा बनता ही है, आर ई की पावर आई थीटा, तो ये पिछली बार बनता ही था ना, पोलर फॉर्म में मैंने आपको बताया हुआ था, यूलेरियन फॉर्म में बताया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी है उसमें मैंने आपको बताया था ना, आर ई की पावर आई थीटा, तो आर ई की पावर आई थीटा हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड तो बनता ही। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, टू एन पाई आ रहा है,
इसका मतलब 2n पाई एक्स्ट्रा आ रहा है और इसमें ऐड हुआ था थीटा में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जेड प्लस 2n पाई। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, समझ गए ना, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। या तो ऊपर वाला याद कर लीजिए, ऊपर वाला ज़्यादा सरल है, ऊपर वाला आप याद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नोट डाल के कुछ लिख लीजिए, नोट डाल के इसमें आपको लिखना है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे कि क्या होता है, लॉग जेड बार बराबर लॉग जेड बार लॉग जेड, इस पूरे का बार हो जाएगा, ठीक है। एक और होता है लॉग माइनस जेड, तो क्या हो जाएगा, लॉग जेड प्लस पाई आई। एक होता है लॉग आई, इसकी वैल्यू होती है आई पाई बाई टू। जैसे ये कहीं पे दिख जाए आपको तो आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिएगा, डायरेक्ट इस तरीके से कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब था, जो लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमने आपका यहाँ पे ख़त्म कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है, वो हमारा आता है स्क्वायर रूट भी आता है और इसमें आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बता देता हूँ और नेक्स्ट वाली क्लास में स्क्वायर रूट बता दिया जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डाल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहाँ पे क्या होता है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जैसे आपने सुना होगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये वन के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, मतलब कहने मतलब जैसे मान लीजिए आप वन है इसका रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस का वन आता है। उसी तरीके से अगर रूट और वन यहाँ पर थ्री लिखा होगा तो इसके कौन से आएंगे, वन आएगा ओमेगा आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके होते हैं, ये होते हैं वन के, और माइनस वन के अगर कोई पूछ लेगा तो इसी में माइनस लगा देंगे, माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये मैं आपको शॉर्ट में एक तरीका बता रहा हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आपको पता ही चल गया होगा कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है ना। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इसमें सबसे पहली बात तो देख लीजिए कि यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। देखिए वन की तो वैल्यू वन ही रहेगी ना, इसकी तो वन की वैल्यू वन ही रहेगी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस वन बाई टू प्लस आई रूट थ्री बाई टू, ये हमारी वैल्यू होती है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर टू आई पाई बाई थ्री, ठीक है। आप इसको इस तरीके लिख सकते हैं, चाहे तो आप ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इतना ही लिखिए नहीं तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसको ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन बाई टू, माइनस बीच में लग जाता है बाकी वैल्यू वही रहती है, ठीक है, आई रूट थ्री पॉन टू, तो इसकी वैल्यू ये हो जाती है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये हो जाती है। और देखिए इसमें एक प्रॉपर्टीज़ और भी है, यहाँ मैं यहाँ पर नीचे लिखे दे रहा हूँ कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर ज़ीरो होता है, ठीक है, और क्या होता है, ओमेगा क्यूब बराबर वन होता है, हाँ। तो ये आप याद करके रखिएगा, ये वाला आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, मतलब क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें रोल लगने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो ये वाला ज़रूर पसंद आया होगा, और हमने आज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और थोड़ा बहुत जो कल पढ़ा हुआ था उसका रिवीजन कर लिया, यूलेरियन फॉर्म का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ठीक है। उसके अलावा आज हमने जो पढ़ा है मेन, वो हमने पढ़ा है लॉगरिथमिक ऑफ ए फंक्शन, मतलब लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, ठीक है। तो कहने मतलब हमने आज लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ा है, और हमने आज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी ख़त्म कर दिया। तो हमारा ये मान लीजिए कि स्क्वायर रूट बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कल की क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैन फ्रेंड्स।